हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मतो। और हम लोग आज सिमिलैरिटी का जो सेकंड लेक्चर है वो लेकर आए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसमें जो रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल उसके बेसिक्स पढ़े थे और उस पर प्रैक्टिस सेट वन के दो क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। और आज हम लोग उसके आगे जो तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 वो करने वाले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को पहला दिया है, एक फिगर दिया है ऐसा। मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे भी वो क्वेश्चन को देख पा रहे हो। आर, ये हमारा हो गया क्यू, और यहाँ पे ऐसा ये हो गया हमारा एस, और ये टी, ये पी। तो इसमें हम लोग क्या बोला, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू। जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं पी एस जो है आर क्यू को परपेंडिकुलर है, और क्यू टी, ये जो हम लोगों ने क्यू टी बनाया वो भी परपेंडिकुलर है पी आर को। और हम लोग क्या क्या दिया है, हम लोग क्वेश्चन में दिया है आर क्यू हम लोग को 6 दिया है, पी एस हम लोग को 6 दिया है, पी आर हम लोग को 12 दिया है, और पूछा क्या है क्यू टी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पूछा है। तो हम लोग अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था, ये मतलब अगर नहीं पढ़ा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग देखोगे ना, ये जो दो ट्राइंगल दिया है, इसी ट्राइंगल को हम लोग को दो बार इसमें अज्यूम करना है। पहले वाले ट्राइंगल का जो हम लोग ये पी क्यू आर ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी हम लोग सेम ट्राइंगल ले रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, मतलब ये वाले व्यू से यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो उसके लिए ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। तो हम लोग इसका क्या नाम देंगे, आर क्यू पी, सपोज हम लोगों ने दिया। तो अभी ये वाला पार्ट जब हम लोगों ने लिया ना, ये तो इसके लिए बेस क्या है, यहाँ पे आर क्यू है, आर क्यू इंटू इसके लिए हाइट क्या है, यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल के लिए जो बाहर वाला एक्सटेंडेड लाइन है ना, जो परपेंडिकुलर वो हाइट है, वो मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था। तो पी एस क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइट। अभी हम लोग ये ट्राइंगल को अगर इस साइड से देखें तो इसका ये क्या हो जाएगा, पी आर यहाँ पे बेस बन जाएगा। तो पी आर हो गया बेस, और इसकी हाइट की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है तो क्यू टी हो जाएगा इसका हाइट। अभी हम लोग जब देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल तो सेम ही है, पी क्यू आर और आर क्यू पी, सिर्फ हम लोगों ने नेमिंग फॉर्मेट अलग रखा है ना, ट्राइंगल तो सेम ही है। अगर कोई भी मतलब ट्रायंगल अगर सेम है तो हम लोग उसका एरिया कैसे भी निकाले, एरिया तो सेम ही आने वाला ना, एरिया का जो वैल्यू होगा। तो अभी यहाँ पे क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल आर क्यू पी, तो इसके लिए उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया सेम हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू पी, यहाँ पे दोनों का एरिया सेम हो गया। मतलब अगर दो भी कोई भी दो सेम नंबर के रेशो को हम लोग जब डिवाइड करते हैं ना, तो हमारा जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, 1। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पी क्यू हम लोग को दिया है, आर क्यू हम लोग को कितना 6 दिया है, और पी एस हम लोग को दिया है 6, पी आर दिया है हम लोग को 12, और क्यू टी नहीं दिया है। तो क्यू टी क्या है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर का, तो मल्टीप्लाई क्यू टी क्या हो जाएगा, 6 6 36 अपॉन 12, जिसका आंसर कितना आएगा 3। तो क्यू टी का वैल्यू क्या होगा, 3। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये पार्ट सॉल्व करना बहुत आसान था। सिर्फ हम लोग को ये क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं वो सेम ट्राइंगल है, और सेम ट्राइंगल का एरिया का रेशो हमेशा कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस सम को कर सकते हैं। आप लोग देखोगे अभी स्क्रीन पे भी देख रहे हो, तो इसका मैं पहले तो ये फिगर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। हम लोग का ऐसा एक पैरेललोग्राम दिया है, और इसमें ये ऐसा डायगोनल्स का ट्रायंगल बना हुआ है, ए बी, यहाँ एक परपेंडिकुलर है पी, ये सी, और ये डी। अभी हम लोग को क्या बोला, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ये हम लोग को दिया हुआ है, और क्या बोला, ए डी पैरेलल टू बी सी, मतलब ए डी और बी सी पैरेलल है। पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग ट्राइंगल देख लेते हैं कौन कौन सा ट्राइंगल। एक तो ये वाला पहला वाला है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या है बी सी डी ए। तो अभी आप लोग देखोगे ना तो जो ए बी और सी इसका बेस यहाँ पे क्या है बी सी, फिर बी सी और डी इसका भी बेस यहाँ पे क्या है बी सी, मतलब इसके बेस सेम है सबसे पहला। और क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके बीच में हम लोग कितने भी स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सबका हाइट तो सेम ही होगा ना, तो उसके हिसाब से ये पहले वाला ट्रायंगल और दूसरे वाले ट्रायंगल का भी हाइट सेम होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, तो पहले का बेस कितना है बीसी और हाइट क्या है एपी क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में, दूसरे वाली का भी बेस क्या है बीसी और हाइट क्या है एपी, तो क्योंकि पूरा सेम है तो कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना बचेगा वन। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, उसको अगर हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिखे तो वन अपॉन वन हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा सम भी कर लिया। तो हम लोगों ने थर्ड और फोर्थ सम कर लिया, अभी हम लोग फिफ्थ सम पे चलते। तो फिफ्थ सम का मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ऐसा कुछ फिगर दिया हम लोग को फिफ्थ सम में, काफ़ी इजी सम है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में तीन चार चीज़ें पूछ लिया इन्होंने इसके वजह से। और ये दूसरा ये है, ये हमारा नेम में कर देता हूँ बी क्यू डी सी पी, और ये हो गया हमारा ए। और इसमें क्या क्या दिया है हम लोग को, पहले तो दिया पी क्यू परपेंडिकुलर है बी सी को, फिर दिया ए डी परपेंडिकुलर है बी सी को। जब भी आपको परपेंडिकुलर के बारे में दिया होगा ना मतलब वो आपको हाइट बताना चाहते हैं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी पूछा है पहला, दूसरा हम लोग को पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तीसरा हम लोग को पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, और चौथा हम लोग को पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। तो ये चार क्वेश्चन हम लोग को एक ही में पूछे, तो हम लोग इसको अभी हम लोग ने अभी जो मतलब पहले लेक्चर में पढ़ा था ना रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल उसको यूज करके हम लोग चारों को सॉल्व कर देना। तो सबसे पहला मैं पहले वाले पे आता हूँ, तो ये क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। तो पी क्यू आर वाला कौन सा ट्रायंगल है, ये पी सॉरी पी क्यू बी है ये, तो पी क्यू बी वाला कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। तो इसका हम लोग बेस की बात करते हैं, इसका बेस क्या है यहाँ पे बी क्यू, और इसका हाइट क्या है पी क्यू, फिर क्या बोला पी बी सी पी बी और सी पूछा है, तो इसके लिए बेस क्या होगा ये बी सी, और हाइट तो ये ट्रायंगल का यही होगा ना पी क्यू पी क्यू, तो यहाँ क्या होगा पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को जो रेशो मिलेगा वो होगा बी क्यू अपॉन बी सी। तो पहला हम लोग का सॉल्व हो गया, अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। तो उसमें क्या बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पी बी सी, फिर से वही ट्राइंगल है तो इसका बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है यहाँ पे पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ए बी सी। अभी ये बड़ा वाला ट्राइंगल बोला है तो बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या है यहाँ पे बी सी है, और इसका हाइट क्या है बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट ए डी है, तो हम लोग ए डी लिखते हैं यहाँ पे बी सी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा पी क्यू अपॉन ए डी। इसको आप लोग डायरेक्टली जो मैंने बताया था ना कॉमन बेस और कॉमन हाइट का डायरेक्ट आंसर वो भी आप लोग कर सकते हो चाहो तो, वैसे तो आप लोग बेस हाइट से भी इजीली हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, तो फिर से वही ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखा था ना ए बी सी का बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है यहाँ पे ए डी है, तो बी सी इंटू ए डी, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी ए डी सी की बात करते हैं ये इसका बेस ए डी सी और हाइट क्या हो जाएगा ए डी, तो डी सी इंटू ए डी, यहाँ पे भी क्या होगा ए डी ए डी कैंसिल बचेगा क्या बी सी अपॉन डी सी। तो ऐसा हमने तीसरा रेशियो भी फाइंड कर लिया, अभी चौथा, तो उसमें क्या एरिया ऑफ
ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी, यहाँ पे पीक्यूसी ये वाला ट्रायंगल और एडीसी ये वाला ट्रायंगल, तो पीक्यूसी की बात करें तो इसका बेस क्या हो जाएगा क्यूसी और इसकी हाइट क्या होगी पीक्यू और ये नीचे आएगा क्यूसी इंटू पीक्यू। और एडीसी की बात करते हैं, एडीसी का बेस क्या होगा डीसी और हाइट क्या होगा यहाँ पे एडी। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई भी टर्म कैंसिल नहीं, क्योंकि दो अलग अलग ट्रायंगल था तो उसमें ना तो कॉमन बेस था और ना कॉमन हाइट है, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप हम लोगों ने आज जो भी प्रैक्टिस सेट वन के रिमेनिंग थ्री सम्स किए आपको समझा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट टू स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।